कि जो है हम लोग आज जो है समास के विषय में पढ़ेंगे। तो ये हो गया समास। इस जो समास है, समास क्या होता है, ये दो या दो से अधिक पदों के बीच जो है योजक पद हटा करके संक्षिप्त पद बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे संक्षिप्त पद कौन, जैसे घोड़ा गाड़ी है, तो ये जो घोड़ा गाड़ी होती है, जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी हो गई, उसको संक्षेप में ऐसा कहते हैं। ठीक है, और दही में पड़े हुए बड़ा को दही बड़ा कह देते हैं। तो इसमें जैसे जो घोड़ा गाड़ी में जो घोड़ा शब्द है, ये पूर्व पद कहा जाएगा, और गाड़ी जो है जो बाद में आया है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो उत्तर को अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं। तो फिर लेटर माने बाद में, तो गाड़ी जो है बाद में आया, पूर्व माने पहले आया, पूर्व मतलब होता पहला। तो घोड़ा गाड़ी, तो पूर्व पद और उत्तर पद दो पदों के मिल से बना होता है। तो इन दो पदों को मिल से करके बने होने से जो है इसको सामासिक पद कह देते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला दिया जाता है तो सामासिक या समस्त पद हो जाता है। तो जैसे पीताम्बर होता है, अब पीताम्बर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो पीत है जो यम्बर, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं पीत है जिसका अंबर, तो पीताम्बर। ठीक है, समास के छह प्रकार, समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास के जो है छह प्रकार होते हैं। ठीक है, समास के छह प्रकारों में कौन कौन से होते हैं, द्वंद्व समास, यानी द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों प्रधान पद होते हैं। और दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और तीसरा है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। चौथा है कर्मधारय समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पांचवा है द्विगु समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। छठा है बहुव्रीही समास, जिसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा शब्द। तो पहला हम द्वंद्व समास का अध्ययन करते हैं। तो द्वंद्व समास की क्या परिभाषा है, द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें सभी पद समान विभक्ति वाले होते हैं और विग्रह की अवस्था में और अव्यय लगता है। जैसे उदाहरण में धर्म अर्थ, यानी कि धर्म और अर्थ इसका समास विग्रह होगा। ईश कृष्ण, यानी कि ईश्वर और कृष्ण। ठीक है, ईश कृष्ण माने, तो अब जैसे मान लीजिए अब इसी का उदाहरण है, अभी द्वंद समास का ही कंद मूल फल, तो इसको कहेंगे कंद और मूल और फल। तो इसमें तीन शब्दों का मिलकर के बन गया। तो ये पशु पक्षी है, तो पशु और पक्षी, नर नारी, नर और नारी, शेषाशेष, शेष और अशेष, पाप पुण्य, भेरी पटा, ऐसे ये सब शब्द जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। दूसरा हम द्विगु समास जो है, द्विगु समास क्या होता है, इसमें कहते हैं द्विगु समास वो समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, और पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद उत्तर पद संख्या का विशेष होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास में अब उदाहरण देखें, इसमें द्विगु समास का उदाहरण है, तो जैसे पंचगव्य, पांच गायों का समूह, पंचमुख, पांच मुखों का समूह। तो इसमें जो पंच है ये संख्या है, गव माने जो है विशेष है, पंचमुख पांच मुखों, पंचवटी पांच वटों का समूह, त्रिदेव तीन देवों का समूह। इसी प्रकार से दूधधारी त्रिशूल यानी तीन कांटों का समूह, और चौराहा यानी चार रास्तों का समूह। ये सब जो है द्विप समास के उदाहरण है। सप्तद्वीप यानी सात द्वीप, तो मतलब पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक आ जाता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे दशाब्द यानी कि दस अब्द, दस वर्ष, दशावतार, दस अवतारों का समूह, शताब्दी, ये सब द्विग समास हैं। तीसरा है कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। जैसे कृष्ण सर्प, इसमें जैसे अब हम अपने से प्रश्न करेंगे कि सर्प कैसा है, तो कृष्ण है। अब जैसे कि इसमें अगर हम कैसा क्या अगर लगा दें, तो दूसरे पद में जो है जो उत्तर पद होता है जिसको दूसरा पद कहते हैं, उसमें अगर क्या कैसे लगा दें, तो जो है जो पीछे वाला होता है वो उसका विशेषण मतलब पता चल जाता है। धन कैसा धन, विद्या धन। रक्तांबर कैसा अंबर, रक्तांबर। चंद्रमुख मुख कैसा, चंद्र के समान, तो विशेषण हो गया ना। पुरुष कैसा, श्रेष्ठ पुरुष। नील गगन, गगन कैसा, नील। कवि कैसा, तो महान, तो विशेषण लग गया ना। तो इसलिए पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो
तो इस पद को कहते, इस समास को कहते हैं कर्म कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास के और उदाहरण, स्वर्ण कलश, कलश कैसा स्वर्ण, मानव कैसा महामानव, व्याघ्र कैसा व्याघ्र पुरुष, यानी पुरुष कैसा व्याघ्र कैसा पुरुष के जैसा, वो माता, माता कैसी यानी कु माता। चौथा जो है समास है बहुव्रीहि समास, तो चौथा समास बहुव्रीहि समास है। तो इसमें बहुव्रीहि समास को ऐसे समझते हैं कि पहला दूसरा पद प्रधान न होकर के तीसरा पद, यानी कि जो शब्द होता है उसका मतलब कुछ और होता है, उसको किसी और अर्थ के संकेत तरफ संकेत करता है। जैसे पीताम्बर हो गया, लंबोदर गणेश जी होते हैं, चंद्रशेखर, गजानन, चक्रपाणि, नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं। इस प्रकार से इसमें कोई तीसरे अर्थ की तरफ संकेत होता है, ठीक है, इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जो है पांचवा जो है अव्ययी भाव समास अध्ययन करते हैं। चलिए, तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के संज्ञा कहते जान नहीं रहे हैं, अव्यय यानी जैसे यथा काम, यथाशक्ति, उपअंग, अपराध, उपतट, प्रत्येक, प्रतिदिन, समुद्र, प्रत्यक्ष। और छठा हो गया, अब छठा आपको छठा हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, तत्पुरुष समास में जो है प्रथमा के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है, उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है, ठीक है। तो पूर्व पद में जिस विभक्ति का पद होगा वह समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास माना जाएगा। जैसे सात विभक्तियाँ होती हैं, आठ विभक्तियाँ होती हैं, लेकिन साथ ही दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण, द्वितीय विभक्ति में भय प्राप्त यानी भय को प्राप्त, तृतीय में मद शून्य, मद में शून्य, मद से शून्य, ज्ञान ज्ञान शून्य, ज्ञान से शून्य, चतुर्थी पद लोग यानी पद का लोग, ज्ञान लोग, ज्ञान का लोग, पंचमी विभक्ति राज्य भय, राज का भय, बिच पतित, बिच का पतित, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। षष्ठी विभक्ति राज पुरुष, राजा, नरपति, अमरवृक्ष। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में जलमग्न, जल में मग्न, युद्ध में निपुण, कार्य में कुशल, ठीक है। तो बीच में जब इसका विग्रह करेंगे तो बीच में जो विभक्तियाँ आएंगी, तत्पुरुष के तीन भेद होते हैं। तत्पुरुष के तीन भेद कौन कौन से होते हैं, उपपद, नच और अलुक। तो इसमें जो है उपपद में, उत्तर पद में क्रियावाचक शब्द होता है, जैसे मर्मज्ञ, चर्मकार, प्रभाकर। और नच में पूर्व पद में निषेधात्मक अन का प्रयोग होता है, जैसे अब्राह्मण, अनश्व, ऐसे शब्द। अलुक में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, विभक्ति का लोप न होने के कारण इसका नाम अलुक तत्पुरुष होता है, जैसे परस्मय पद, आत्मने पद, वाचस्पति इत्यादि। तो इस प्रकार से जो है हमने समास का अध्ययन किया, यही इतना हमने जो है छांट करके, समास जो है जल्दी कई किताबों में नहीं देता है, और इसलिए जो है हमने समास को पूरी तरह से पढ़ाने का प्रयास किया है। संभव है कि आपको आप इसका लाभ प्राप्त करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद।